हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज प्रैक्टिस सेट 12 है, 12वां प्रैक्टिस सेट है। संडे है, रविवार है, तो सैटरडे संडे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं प्रॉपर तरीके से, 30-30 क्वेश्चन करके। हर सब्जेक्ट जो मैं मेरे जीके से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूँ आपके सामने, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, और आपके सामने जियोग्राफी हो, भूगोल हो, ठीक है। तो जीके की जंग अमित सर के संग जो हमारा बैच है प्रॉपर तरीके से चल रहा था, और अब आखिरी मुकाम पर है, जो कि 10th क्लास के कुछ ही चैप्टर रह रहे हैं, उसको समापन करके फिर नेक्स्ट वीक कुछ नया अलग तरीके से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी अपने भाइयों के लिए, मैं अपने द्वारा खुद रिसर्च करके पढ़ करके आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीके के क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है। और डेली करंट अफेयर में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी जान लगा दूंगा उसमें, ठीक है, जो करंट अफेयर में चलाऊंगा, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये तो है, यह है आपका जैसे भारत, ठीक है, यह है पूर्वी घाट, ठीक है, और यह है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। अब यहां पर पूछा गया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने सभी दे रखी है, और सबसे ऊंची चोटी पूछी है इसने, सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदिक है, कंचनजंगा है, ये गलत है, महेंद्रगिरी है, या खासी है, ये गलत है, नॉर्थ ईस्ट में है बिल्कुल, खासी तो, और अनाईमुदिक इनमें और महेंद्रगिरी में दो में फंस जाओगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास नहीं ली है, तो वहां पर जाकर लो, उसमें मैंने बता रखा है महेंद्रगिरी सी इज द राइट आंसर आपके सामने। और सभी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ में, जैसे कल दे चुका हूँ, आप पीडीएफ में देख लेना कौन कौन सी हिल्स पूर्वी घाट में, कौन कौन सी हिल्स पश्चिमी घाट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। भारत में है, नेपाल में है, चीन में है, बांग्लादेश में। बहुत से बच्चे जो नए वाला होता है वो फंस जाता है इस क्वेश्चन, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ कि ए तो गलत आंसर है बिल्कुल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, और सभी गलत हो जाते हैं, चीन भी भर कर आ सकते हैं बहुत से, ठीक है। तो नेपाल इज द राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि 8,850 मीटर हो चुकी है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, सी हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में। तो ये सभी गलत हो जाते हैं आपके, अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, उसका नाम मुझे बताओ इन कमेंट में चल के, ठीक है, इसका आपका ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर प्रायद्वीप भारत की पूछी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो गोदावरी इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाती है, और जो 12 महा जो नदी बहती है उस नदी का इन कमेंट मुझे बताओ नाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात निम्न से किस नदी में किस नाम से जानी जाती है। हमारी जो गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी से जो मिलती है तो बांग्लादेश में जाकर के मिलती है, ठीक है मेरे भाई, जो कि बांग्लादेश है आपका, ये सबसे ये बांग्लादेश है, और यहाँ से आपके ये अरुणाचल प्रदेश से निकल के असम में आती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग, और असम में बढ़ती है इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री मारती है, और हमारी गंगा जो नदी जब इसमें बांग्लादेश में मिल जाती है, आपस में जो इनका संगम होता है, तो ये मेघना कहलाती है, ठीक है। अलकनंदा गलत हो जाता है, हुगली गलत हो जाता है, ठीक है, भागीरथी भी गलत हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है, ये प्रॉपर मैप दे रखा है आप देख लेना। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, 1872, 1991, 2000। तो 1872 इज द राइट आंसर हो जाता है, 1881 में दशक के अनुसार हुई थी, ठीक है, इस समय वायसराय कौन था इन कमेंट मुझे करके बताओ, ठीक है। और 1872 में लॉर्ड मेयो थे, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल चल रहा था जिसमें जनगणना हुई थी भारत की। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इन दोनों चीजों के बारे में बताया है अपनी क्लास में, ठीक है, जाकर देख लो प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकली सब कुछ इमेज वाइज मैंने बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण, चट्टान, लोहशक,
सोना, पशु। अब जैविक की बात हुई, इनमें से जैविक दिख रहा कोई है? पशु, यस। तो डी इज द राइट आंसर, अजैविक है ऊपर वाले। ठीक है, सिंपल है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? अब नवीकरणीय बिल्कुल नया है जो, खनिज तेल गलत है, कोयला गलत है, गैस गलत है, ज्वारीय ऊर्जा है। और ज्वारीय ऊर्जा ऐसे बनती है आपके सामने, ठीक है। ये ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखी है अपने अपने चैप्टरों में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? 1991, 73 में, 93 में, 2009 में। अब यहाँ पर किस वर्ष में बाघ परियोजना की बात हुई है? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। कहाँ? हमारे भारत में। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण। वन संरक्षण इज द राइट आंसर हो जाता है। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में चला था, और इस समय इसको चलाने वाले कौन थे, उनका जो प्रॉपर तरीके से उसका नाम बताओ, उस नेता का नाम या लीडरशिप कौन कर रहे थे, उनका इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया चिपको आंदोलन कहाँ, कैसे, कौन, किसने शुरू किया था। नेक्स्ट आपके सामने, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मैंने फ्रांस की क्रांति प्रॉपर तरीके से आपको बेसिक रूप से बताया हुआ है चैप्टर में, ठीक है। तो 1687, 1789 इज द राइट आंसर, 1879 गलत है, 1947 गलत है। तो फ्रांस की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए डाला हुआ है। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है, बी, ठीक है। नेक्स्ट, 12th, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर बताई हुई है, 45%, 60%, 75%, डी। डी इज द राइट आंसर, 75% थे किसानों की जनसंख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेपोलियन जो था, 13 क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1792, 1793, 1804 इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, नेपोलियन कौन था, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है आपको, ठीक है। 14 क्वेश्चन, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? राजशाही मतलब राजतंत्र का, ठीक है, राजतंत्र का अंत कब हुआ? 1907 फरवरी में, फरवरी 1917 में, या अक्टूबर 1907 में, या अक्टूबर 1917 में, आपको फंसा देगा, डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको विद इमेज देख सकते हो। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। तो 30 जनवरी 1933 को, सी इज द राइट आंसर, हिटलर देखो शपथ लेता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, चाय और कॉफी के बागान कैसे लगाए गए हैं? वनों को साफ करके, वनों काट कर, वनों लगाकर, कारखाना हटाकर, खनन को बंद करके। तो उस समय जो औपनिवेशिक जो काल था, उसमें मैंने आपको बताया था कि औपनिवेशिक कालों में जब मैदानी इलाके नहीं थे ज्यादा मात्रा में, जंगल ही जंगल थे, वन ही वन थे, तो इनको सफाया करके तभी जाकर के इनकी खेती की थी, ठीक है, चाय और कॉफी की, मैंने बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? फ्रांस का केल्विन, जर्मनी का डीटर बेडरी, या जाहिंगो का क्रेस्पोर्डो, या रूस का निकोलस। तो ये सभी गलत हो जाते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, सॉरी, ठीक है। जर्मनी का डीटर बेडरी, ये आपको दिख भी रहा है ऐसे, इसको बियर्ड है ज्यादा, तो बियर्ड ब्रेडी ऐसे याद कर लेना, वनों में रहा करता था, ठीक है, वनों में चले जाओ घने घने दिन तक, तो दाढ़ी मूछ बढ़ जाए, तो ऐसे याद कर लो, बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की हुई? 1850, 53, 60 या 64। ये वन सेवा की स्थापना हुई है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, कभी और भर जाओ, ठीक है, 1951 भर जाओ, या 1956 भर जाओ, या और कुछ कई एक्ट बने थे ना इसके लिए। नेक्स्ट है, सबसे अच्छे वन क्या कहलाते थे? आरक्षित वन कहलाते थे, ए इज द राइट आंसर, मैंने बताया आपको। चारवाहे कहाँ रहते थे? चारवाहे जो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, गुज्जर बकरवाल जो हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, या उत्तराखंड से, या रेगिस्तान से, पठारों पहाड़ियों से आते थे ना, उनको चारवाहा कहा जाता था। पठारों से भी, मैदानों से, रेगिस्तान, सभी को ही चारवाहे कहा जाता था, जो भेड़ों को चराते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 मैंने आपको बताया हुआ है, ए इज द गलत राय, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, अभी इमेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला कहाँ के जन नेता थे? दक्षिण अफ्रीका, रूस, अमेरिका, भारत। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ये आपके सामने नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से क्या क्या काम करे मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सही नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, चंपारण,
सत्याग्रह में भाग लिया। बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली अध्यक्ष हैं, ठीक है। या एच एस मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, या टी टी कृष्ण स्वामी आजादी के वित्त मंत्री थे। तो इसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली अध्यक्ष नहीं थी, एनी बेसेंट थी, मैंने आपको बताया था 1917 में, ठीक है, इसमें बताई हुई है। तो बी इज द राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, मूल कर्तव्य गलत, संवैधानिक उपचार को अधिकार गलत, स्वतंत्रता के अधिकार गलत, उद्देश्य का जो प्रस्ताव है, ठीक है, जो प्रस्ताव जिसको नेहरू जी लाए थे, ठीक है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की भाग का वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं। यहाँ पर बात हुई है अनुसूचित जातियों की, तो 84 मैंने प्रॉपर बताया आपको कि अनुसूचित जाति आ जाए तो 84 हो जाएगा, अगर जनजाति आ जाए तो सिर्फ 47 हो जाएगा, इसका आधा, मतलब कि आधा नहीं सॉरी, ठीक है, तो 47 हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है, पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। इस समय निर्वाचन आयुक्त के जो मुख्य अध्यक्ष है वो कौन है, मुझे इन कमेंट मुझे बताओ, सचिव जो है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, स्पीकर, तो सी सिंपल सी बात है, कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है आपके सामने 29 क्वेश्चन आपके सामने, सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार के प्रमुख की बात हुई है ना कि देश के प्रमुख की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेनाध्यक्ष, तो राष्ट्रपति यहाँ पर गलत हो जाते हैं, प्रधानमंत्री ए इज द राइट आंसर हो जाता है, सरकार के प्रमुख की बात हुई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं, और कौन 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 से हैं वो इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है भाई मेरे। अब किसने किसके मेरे भाई के 30 में से कितने नंबर आए वो मुझे बताओ इन कमेंट में चल करके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल डीपली तरीके से हर क्वेश्चन को एनालिसिस विद प्रैक्टिकली उससे 3 से 4 क्वेश्चन को जोड़कर आपके सामने रखूंगा, ठीक है, जिसमें आपको कोई समस्या न हो, और मेरे बैच के बाद एक अच्छा तरीके से मैं अपने माइंड में सेट कर रखा है कि क्या क्या करवाने वाला हूँ पेपरों से पहले, ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकल चुके हैं, जाकर भर दो उसको। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ आपके लिए निःशुल्क सेवा है, बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर है, ठीक है, तुम चाहो तो मेरी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, बाद में देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपके लिए है, ठीक है, जाओ।